ये डॉग ब्रीड आपको कभी कम रेट में आता है, सबसे मिनिमम ब्रीड है इसका हमारे डॉग के कैनल का जो सबसे चीपेस्ट रेट है। वो अनहेल्दी पपी होता है तो वो बिल्कुल खाना पीना में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। और जो एक्टिव पपीज होते हैं उसके कुछ खास साइन है, जैसे कि नोज इसका हमेशा वेट आपको दिखेगा, ड्राई नहीं फीड होता है। सुबह के खाने में आपको देना है, ठीक है, सुबह जो भी डाइट देंगे इस बाउल में एक कप पानी डाल देना है, उतना है ना, ठीक है। ये सुबह ये लाइफ टाइम चलता रहता है भाई, इसको बंद नहीं करना, ये सब कुछ 3 महीने बाद बंद कर सकते हैं, लेकिन इसको लाइफ टाइम चलाना है क्योंकि उसके पेट में बहुत आपको उसके लिए, इसके पहले जो भी वैक्सीन पड़ रहा है वो इसके लिए है, और अभी जो होता है वो आपके लिए पर्सनली, मतलब कभी जल्दी से दांत लग जाए तो वो 90 डेज के बाद ही होगा। हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत डॉग ब्रीड है जिसको इंडियन स्पिट्स के नाम से जानते हैं और ये मोस्टली बहुत ज्यादा सेल होने वाला डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड के बारे में आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हमारा आई बटन में भी चेक कर लेंगे, बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है, मैं इस वीडियो में बना दूं कि ये डॉग ब्रीड आपको काफी कम रेट में आता है, सबसे मिनिमम रेट है इसका हमारे डॉग के कैनल का जो सबसे चीपेस्ट रेट है वो इसी डॉग का है। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे कस्टमर से और जानते हैं उनकी राय कि उनको डॉग का ब्रीड आज जो मिल रहा है वो कैसा लगा और बाकी डिटेल। चलिए उससे पहले आप लोग देख ले हमारे डॉग की क्वालिटी, जो कि आज डॉग ब्रीड जानिए। आज का हमारा डॉग ब्रीड इंडियन स्पिट्स का मेल पपी और सॉरी फीमेल पपी, ये आज का हमारा डॉग ब्रीड इंडियन स्पिट्स का फीमेल पपी, और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा दही में लिपट छिपट के खा पी कर रेडी है। तो ये क्लाइंट को दिखाने के लिए बच्चा खा पी रहा है पूरे तरीके से, क्योंकि अगर कोई आपका अनहेल्दी पपी होता है तो वो बिल्कुल खाना पीना में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। और जो एक्टिव पपीज होते हैं उसके कुछ खास साइन है, जैसे कि नोज इसका हमेशा वेट आपको दिखेगा, ड्राई नहीं होगा। ड्राई होने पर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है डॉग में तो बच्चे का नोज आपको अक्सर ड्राई देखने के लिए मिलता है। तो ये सबसे पहला सिम्टम है आपको जानने का कि आपका डॉग बीमार है, सुस्त है, और अगर सुस्त हो गया है बहुत ज़्यादा तो साइड में अगर कोना पकड़ रहा है तो समझिए वो बच्चा आपका बीमार है। तो सबसे पहले टेम्परेचर जरूर नाप लें बच्चे का, ताकि आपको पता चल जाए कि डॉग आपका बीमार है या। चलिए मिलते हैं हमारे आज के कस्टमर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। कहाँ से? एड्रेस क्या? मोतिहारी से। तो नंबर कहाँ से? आपका यूट्यूब पे देख के बहुत दिन से देख रहे थे। कमेंट वगैरह भी करते हैं? जी जी सर, देखते हैं ना, कमेंट वगैरह भी करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इनको सामान वगैरह सारा कुछ दिया गया है, जिसमें डॉग फूड है, इसका मिल्क फीड है। भैया आप बैठिए थोड़ा सा और समझ भी लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतना सारा मेडिसिन क्यों दिया जा रहा है और क्यों देना जरूरी है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बचपन में देनी चाहिए, बहुत लोगों को जानकारी का अभाव होता, नहीं लेते हैं। तो चलिए मैं सारा डिटेल से बताऊंगा, अगर आप लोग को भी है तो कलम कॉपी लेके बैठ जाए और नोट करें जो जो डिटेल में देगा, बाकी आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। देखिए ये डॉग फूड हो गया और ये मिल्क फीड हो गया, सुबह के खाने में आपको देना है, ठीक है, सुबह जो भी डाइट देंगे इस बाउल में एक कप पानी डाल देना है, और उसके बाद इसमें से 10 दाना फूड का एक कप मिल्क, तो सुबह एक कप पानी ले लेंगे, एक चम्मच इसमें से मिल्क फीड जो है जिसमें मिल्क है पाउडर है और इसके अंदर चम्मच है, इसके अंदर ऑलरेडी उसी चम्मच से एक चम्मच दीजिएगा, इसमें से 10 दाना डॉग फूड डाल दीजिएगा, 15-20 मिनट छोड़ दीजिएगा, आराम से फूल जाएगा, उसके बाद हाथ से क्रश करके दे दीजिएगा कुछ, तो भाई आपको स्पीड पता ही है कितना अच्छा से खा लेता है। उसके बाद आपका ये लिवर टॉनिक है, ये लिवर टॉनिक आपको स्टार्ट करना है सुबह खाना देने के बाद, एक ml, और ये कैल्शियम है इसमें से भी 1 ml, और ये मल्टी विटामिन है, इससे जो खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन उसको देता है डॉग फूड के अलावा। जब भी आपको न्यूट्रिशन चाहिए, बड़ा होता है तो उसको और रूप में दे सकते हैं, जैसे पनीर में दे सकते हैं, चिकन में दे सकते हैं, तो बाकी विटामिन उसको मिल जाता है, लेकिन अभी तो इतना सारा चीज़ देना नहीं है, डाइजेस्ट होगा नहीं, और डाइजेस्ट प्रॉपर वे में हो इसके लिए लिवर टॉनिक, ताकि उसको जो भी आप दे रहे हैं वो पचे। ये हमारा इम्यून के लिए, बच्चा बीमार ना हो, बच्चे का इम्यून तगड़ा रहे, क्योंकि बीमार नहीं होगा तो दवा का जरूरत नहीं है, तो ये उसका इम्यून बढ़ाता है। और ये पेट का कीड़ा का दवा है जिसको डिवॉर्मर कहते हैं, ये सबसे खास दवा है, जब भी आप इसको यूज करें तो लिवर टॉनिक आप पहले चला जरूर से, उसके बाद ही ये दिया जाना चाहिए, जैसे 2 दिन इसको चला लें 2 दिन उसके बाद ये दवा दे दीजिए। ये देना है सुबह खाली पेट में, जितने के जी का आपका डॉग हो उतना है ना, ठीक है। ये सुबह ये लाइफ टाइम चलता रहता है भाई, इसको बंद नहीं करना, ये सब कुछ 3 महीने बाद बंद कर सकते हैं, लेकिन इसको लाइफ टाइम चलाना है।
क्योंकि उसके पेट में वॉर्म्स हमेशा रहता है। अभी एक महीने पर चलेगा, फ्यूचर में 3 महीने पर 6 महीने पर दे सकते हैं। जैसे बड़ा होता जाता है डॉग उसके हिसाब से डे बाई डे बढ़ता जाता है। और ये हो गया पाउडर और ये हो गया शैम्पू। ये दोनों चीज आपको पता ही, साफ सफाई के लिए डॉग के साफ सफाई के लिए जब आप नहलाएंगे उसको तो शैम्पू कर लेंगे, उसको नहला करके फ्रेश करके ड्राई करने के बाद पाउडर आपको लगा लेना, जिससे इसके बॉडी में होने वाले टिक्स वगैरह नहीं होते आगे फ्यूचर में। जैसे मतलब अगर आप डॉग को नहीं ये सब करेंगे तो थोड़ा टिक्स का प्रॉब्लम आपको हमेशा झेलना पड़ता है, तो इसलिए आप ये पाउडर और शैम्पू कुछ ऐसा भी रेगुलर भी ले सकते हैं। जैसे जो रेगुलर होते हैं वॉश के लिए वो अलग शैम्पू आते हैं, अगर आप टिक्स वाले लेते हैं तो टिक्स से आपको बचाव होता है। इसके बाद भी मेन चीज़ आता है वैक्सीन का। जैसे डॉग को अभी आप ले जा रहे हो तो पहला वैक्सीन पड़ेगा वो 45 डेज का पड़ेगा। 45 दिन का जब डॉग हो जाता है तो पहला वैक्सीन पड़ता है और उसके 21 दिन के बाद दूसरा वैक्सीन रिपीट करेंगे। और तीसरा वैक्सीन जो इसका ये बच्चा जब 90 दिन का हो जाएगा तो उसको पड़ेगा रेबीज वाला, जो काटने पर कुछ ना हो आपको उसके लिए। इसके पहले जो भी वैक्सीन पड़ रहा है वो इसके लिए है, और रेबीज जो होता है वो आपके लिए पर्सनली मतलब कभी जल्दी से दांत लग जाए तो वो 90 डेज के बाद ही होता है उससे पहले। चलिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ अभी आप आए तो कैनल वगैरह देखा भी है, तो हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ खास जो बताना चाहेंगे जो आपने अपनी आंखों से देखा हो यहाँ पे कुछ डिटेल में बताना चाहें। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा ब्रीड है, जो ब्रीड आपको लेना है यहाँ पे अवेलेबल है, और हाँ मतलब जिस टाइप का आपको पप्पी चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। और अच्छी ऊपर में जो कैनल आप घूम कर आए, कैनल बहुत अच्छा है। कौन कौन सा अच्छा लगा आपको? जर्मन सपोर्ट ऐसे तो है सभी अच्छा, लेकिन स्पेशली हमको आपको क्या पसंद है? जर्मन सपोर्ट, लैब्राडोर जर्मन सपोर्ट बहुत अच्छा लगा हमको। यानी कौन सा, चॉकलेट वाला या क्रीम कलर वाला या व्हाइट वाला? एक ब्लैक वाला है जर्मन सपोर्ट, व्हाइट वाला है लैब्राडोर। बाइक लेके हमारा विराट। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो में डॉग की क्वालिटी आपको कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और भैया बाकी सारा कुछ डिटेल आपको खाने पीने का तो दे दिया गया है, अगर नहीं भी मिला है तो आप नंबर हमारा है ही, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट कट बोल। Over the edge, feel like I'm floating through the air. I felt it's paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. Standing tall, fear outweighed the person you are.